चनावत कृषि उपज मंडी में आए दिन किसानों की मंडी प्रशासन और व्यापारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब मंडी प्रबंधन की मनमानी से इन विवाद और हंगामे का स्थायी समाधान करने में जनप्रतिनिधि नाकाम हो रहे हैं। डालर चने की खरीदी न होने पर किसानों द्वारा इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ट्रैक्टर अड़ाकर चक्का जाम कर दिया गया। इस चक्का जाम में खंडवा जा रहे सांसद गणेश्वर पाटिल भी फंस गए। सुबह डालर चना लेकर पहुंचे किसान दोपहर तक खरीदी होने का इंतजार करते रहे। बाद में किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम करने की योजना बनाई। हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान सांसद पाटिल भी चक्का जाम में फंस गए। हंगामे की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मंताराम रोमड़े और तहसीलदार शिवराम कनासी ने किसानों से चक्का जाम खोलकर मंडी में बात करने की समझाई दी। जाना है तो सब लोग यहाँ पर किसानों ने रोड पर खड़े रह के हंगामा करना शुरू किया। यहाँ पर किसानों का माल नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी मंडी में नहीं आ रहे, किसानों को जो है कि भाव में कमी आ रही है। इस तरह से बहुत सारे विषय थे। कुछ किसानों को पानी पीने के लिए की कमी बता रहे कि एक वाटर कूलर से काम भी चलेगा तो होना चाहिए, और छोटी मोटी जो समस्याएं थी, लेकिन आकर हम एच एम साहब को मैंने कॉल किया, तहसीलदार साहब भी आए और यहाँ के जो सचिव है वो सचिव की कहीं कहीं लापरवाही है उसके कारण ही ये किसानों में इतना आक्रोश बढ़ा है। लेकिन किसान हमारा समझदार है, अन्नदाता है, हमारा किसान अच्छी तरह समझ सकता है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है और लड़ना भी चाहिए, कोई गलत भी नहीं है। तो जो छोटी मोटी समस्याएं थी उस समस्या का समाधान करने के लिए एच डी एम साहब ने निर्देश दिए। यहाँ पर व्यापारी आए दिन अपनी इच्छा होती है तब मंडी चालू रखते हैं, अपनी इच्छा होती है तब बंद रखते हैं। आज भी कुछ किसानों का मेरे पास फोन आया कि भैया वहाँ पर कुछ छोड़ के वाहन छोड़ दिए हैं डालर चने के और व्यापारी अपने घर चले गए। ये जब चीज की बात मुझे पता चली, हम तुरंत आए, सभी किसान इकट्ठा होकर हम रोड पे जाम हुए। उसके बाद आदरणीय सांसद महोदय और एसडीएम साहब के अनुशंसा पे अभी मंडी चालू होने का आश्वासन दिया है, और उसके बाद भी हमारी अन्य समस्याएं जैसे मंडी में पानी पीने की व्यवस्था आज तक नहीं लगी, दो कांटे उसके बावजूद भी एक कांटा चल रहा है, 2 लाख तक का नगद भुगतान नहीं है। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो पैसे लेके अभी तक 2-2 महीने से किसानों के पैसे नहीं दिए। इन सारी समस्याओं को लेके हमने ये बात आदरणीय सांसद महोदय और एसडीएम साहब के सामने रखी, और मंडी में जितने भी प्रशासनिक आदि